गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स बी स्टार्ट। कंसिडरेशन पेड फॉर द परचेज ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस डज नॉट अमाउंट टू रॉयल्टी अंडर IT Act। IT Act चेन्नई ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ ESPN इंडिया के, जो एडवर्टीजमेंट स्पेस के लिए अमाउंट पे करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं, तो वो रॉयल्टी कंसिडर नहीं की जाएगी। GST Council recommendation not binding on center and state. Both center and state can legislate on GST. Supreme Court ने decision दिया है कि GST Council का जो recommendation होगा वो center या फिर state पे binding नहीं होएगा। Center और state खुद से जो भी GST के regulation है वो handle करेगी। CBIC enabled the export of goods from Bangladesh to India by rail in closed container. CBIC ने जो गुड्स एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, बांग्लादेश से इंडिया जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं क्लोज कंटेनर में, वहां से बांग्लादेश से जो इंडिया सामान आते हैं वो बाय रेल अभी आ सकते हैं। CBIC ने बाय सर्कुलर नंबर 8 2022 डेटेड 17 में एक्सपोर्ट इनेबल किया है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया थ्रू द रेल इन क्लोज कंटेनर। SARFAESI प्रोसीडिंग कैन नॉट बी कंटिन्यू अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर वन CIRP इज एडमिटेड एंड मोरेटोरियम इज ऑर्डर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एडमिट हो गया है और मोरेटोरियम भी ऑर्डर कर दिए गए हैं, तो वो केसेस में जो SARFAESI का प्रोसीडिंग होगा वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे। DGCI गुरुग्राम अरेस्ट 1% फॉर फ्रॉडेंटली अवेलिंग ITC ऑफ मोर देन 160 करोड़ थ्रू ए फेक नेटवर्क ऑफ 10 फॉर्म्स। DGCI गुरुग्राम ने एक पर्सन को अरेस्ट किया है, पवन कुमार शर्मा फॉर्म के प्रोप्राइटर है, उनको अरेस्ट किया है, जिन्होंने 160 करोड़ के फेक ITC अवेल किए थे, GST ITC अवेल किए थे, और उन्होंने मोर देन 10 फेक फॉर्म्स बनाए हुए थे, बोगस फॉर्म्स बनाए हुए थे। रीअसेसमेंट ऑर्डर पास्ड विदाउट इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज नॉट वैलिड। कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि रीअसेसमेंट ऑर्डर अगर 148 के अंदर नोटिस इशू नहीं करते हैं तो उसको इनवैलिड माने जाएगा। CBI हैज इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ टोटलिंग 38.75 करोड़ ऑन 32 एंटिटीज इंक्लूडिंग 40 हेल्थ केयर होल्डिंग इन केस ऑफ रिलेटेड टू डाइवर्जन ऑफ फंड ऑफ 40 हेल्थ केयर लिमिटेड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन टू कंसील द फ्रॉड। जो मार्केट रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से भी उन्होंने 38.75 करोड़ की पेनल्टी लगाए हैं ऑन 32 एंटिटीज, जिसमें कि 40 हेल्थ केयर होल्डिंग पे भी उन्होंने पेनल्टी लगाए हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस है फॉर डाइवर्जन ऑफ फंड और जो फ्रॉड है उसको कंसील करने की उनके ऊपर एलिगेशंस है, तो इसके लिए सेबी ने 38.75 करोड़ की पेनल्टीज लगाए हैं। RBI नोटिफाई ए कार्डलेस कैश विड्रोवल एट द ATM। RBI ने सारे बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि जो कैश विड्रोवल है वो विदाउट कार्ड ATM पे अलाउ करेगी। सारे बैंक अभी कार्डलेस कैश विड्रोवल अभी सारे बैंक इनेबल करेगी और जो भी पेमेंट होएगी, कैश के ट्रांजेक्शन होएगी विदाउट कार्ड, वो UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन होएगी, वहाँ पे अभी ATM की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर द कैश विड्रोवल। रशिया में लीगलाइज क्रिप्टो सून हिंट्स मिनिस्टर। जो रशिया के लोकल मीडिया है उन्होंने बताया है कि जो रशिया वो भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रही है इन रशिया में। कमीशन पेड टू द पर्सन हु आर नॉट बेनिफिशियल टू द बिजनेस ऑफ द SSC इज टैक्सेबल। ओडिशा हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वैसे पर्सन को कमीशन देते हैं जो बिजनेस का बेनिफिशियरी नहीं है, तो वो केसेस में जो कमीशन उनको पे किए जाएंगे वो टैक्सेबल होगा उनके हाथ में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।